फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं आपके साथ में इंस्टेंट मिक्स से ढोकला कैसे बनाते हैं ये सारी रेसिपी शेयर करूंगी। इससे हम बहुत आसानी से ढोकला बना सकते हैं। वैसे तो ढोकला बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं या शुरू शुरू में ढोकला बनाते हैं, उनका ढोकला ठीक नहीं बन पाता है, तो वो लोग क्या करें कि इंस्टेंट मिक्स बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होता है। इससे आप आसानी से घर पर ढोकला बना सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान होता है और यह पैकेट मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके लिए हमें सिर्फ के पैकेट की ज़रूरत है, पानी की। यहाँ पर मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चीनी, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच राई, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा नींबू का रस, हरा धनिया और तेल। तो चलिए फटाफट हम इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लूँगी और इस पर हम एक बर्तन रख देंगे। आपके पास जो भी गहरा बर्तन उपलब्ध हो आप उसको रख सकते हैं। और इससे मैंने 1 और आधा पानी डाल दिया है और पानी को हम उबलने देंगे। पानी में जब तक उबाल आ रहा है तब तक हम बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा ही पैकेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ 500 ग्राम का पैकेट है, तो मैंने इसमें से 250 ग्राम इस्तेमाल किया है। और इसमें पानी डालते हुए हम घोल तैयार करेंगे। इस तरीके से बैटर हमारा होना चाहिए, एक ही तरफ चलाते हम बैटर बनाएंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम कोई भी गहरा बर्तन ले लेंगे और उसको तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस पर डाल देंगे, मैंने अच्छे से इसको भर दिया है और इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे। चलिए देखिए, पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। इस पर हम सावधानी से एक रिंग रख देंगे। अब यदि आपके पास रिंग नहीं है तो आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं। इसको बीच में सेट करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा ढोकला भरा हुआ मिश्रण वाला है बर्तन, ढोकले का जो बर्तन है वो रखकर ढक्कन बंद कर देंगे। इसे हमें 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा ढोकला अच्छे से बनने लगा है। अंदर से पका है कि नहीं चेक करने के लिए हम एक चाकू डालकर देखेंगे। चाकू थोड़ा सा बैटर चिपक रहा है तो हम इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। ढककर इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। जब यह पूरी तरीके से पक जाएगा तो चाकू पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। दोबारा हम 5 मिनट बाद चाकू डालकर देखेंगे। देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल नहीं चिपका है, तो ढोकला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए दोबारा मैंने यहाँ गैस ऑन कर ली है। इस पर मैं कढ़ाई रख दूंगी। कढ़ाई इसे मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। इस पर हम राई डालेंगे, हींग डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी इस पे डाल दिया है। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हमें थोड़ी मात्रा में ही डालना है, क्योंकि जो इंस्टेंट मिक्स होता है उसमें नमक और चीनी की मात्रा बहुत होती है। चीनी भी मैंने 1 चम्मच ही डाली है। नींबू निचोड़ देंगे और हरी मिर्च डाल दिया है और इसको थोड़ा सा उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए तड़के में उबाल आ गया है, गैस बंद कर दी है। अब ढोकला को हम ठंडा हो चुका है, इसके किनारों को चाकू से निकाल लेंगे। इस तरीके से पलट के मैंने निकाल लिया है ढोकला। देखिए हमारा ढोकला कितना स्पॉन्जी बना है। इसकी जो जालियां हैं वो आप साफ देख सकते हैं। देखिए इसकी जालियां साफ दिखाई दे रही हैं। अब हम जो हमारा तड़का बनाया हुआ है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से ढोकला कितने अच्छे से हमारे तड़के को सोख रहा है। देखिए हमारा ढोकला तैयार हो गया। इसे हरा धनिया से हम गार्निश कर देंगे। तो आप भी इस ढोकले को बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय कीजिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप मेरी और रेसिपी देखने के लिए इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।